जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज हमको भी इस माइक्रोसॉफ्ट पे बोलने का मौका आप दी। कि मैं भी आज जब से सुनी हूँ तब से मैं बहुत खुश हूँ। सुबह में 5 बजे हमारा आँख भी खुल जाता है और मुझे सुबह का मीटिंग बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी इस मिशन में आए हैं। पहले की हमारी जिंदगी डिएक्शन में जब नहीं थे, हमारी बहुत जिंदगी खराब थी, लेकिन डिएक्शन में आने से आज हमारी भी जिंदगी बदल गई है। और पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने माता पिता को कि हमको इस दुनिया में लाए, इस लायक बनाए। हम दिल से अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं। और हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे भगवान आदरणीय श्री प्रदीप कुमार मांझी जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। और हमारे जितने यहाँ से मलेशिया से लेकर जितने गुरु हैं, मैं उनको सत नमन करती हूँ। इस माइक्रोसॉफ्ट पे जितने हमारे गुरु हैं, गुरु माताएं हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे डिएक्शन मिला। बहुत खुशी से नहीं मिला, मुझे बहुत दुख से मिला है। मैं भी डिएक्शन से पहले जो भी कर रही थी, सिलाई कर रही थी, पार्लर भी सीख रही थी, और उसी दौरान पे हम सिलाई पार्लर भी कर रहे थे। हमको भी बहुत गरीबी के दलदल में हम भी बहुत थे, लेकिन इस मिशन में आने से हमारी भी जिंदगी बदल रही है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर लोग बताते हैं अपनी कहानी, वैसे हमारी भी कहानी है। तो हमारी कहानी यही है, हम सिलाई पार्लर भी सीख रहे थे। जो मैडम जी हमारा भी अभी हमको बोलने का मौका दी है, वही मैडम के पास हम भी सिलाई पार्लर कर रहे थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैडम जी को कि आज वहाँ से हमारी भी धीरे धीरे से जिंदगी बदल रही है। नहीं तो हम भी कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी काट रहे थे, लेकिन हम भी सिलाई पार्लर सीखते सीखते आज देखा जाए तो हर एक लड़की है, चाहे लेडीज है, कोई भी है, अपने पैर पे ठाड़ होना चाहते हैं। वैसे हम भी, हमारे जब पापा थे पढ़ाते लिखाते थे सबको, मतलब यहाँ हमारे कोचिंग पढ़ाते थे हमारे पापा, तो हम भी पढ़ने लिखने में बहुत नहीं पढ़ते लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे, न पढ़ते थे, क्योंकि हमारा दिमाग पढ़ाई लिखाई पे नहीं इतना होता था। खेल कूद में बहुत हम ज्यादा करते थे। हम इसी दौरान तब हम सिलाई पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाए, लेकिन बीए कैसे कैसे हम पास किए। हमारे पापा बोले कि आपको पढ़ना है, चाहे जैसे आपको पढ़ना है पास भी होना है, नहीं तो अगर शादी होगी तो आप कैसे कहाँ कहाँ करेंगी, आपको पढ़ने लिखने नहीं आता है। लेकिन हमारे पापा हमको पढ़ाए लिखाए, बीए हम भी किए, हमारी जो सिस्टर वो भी बीए एमए करके बैठी, लेकिन हमारी सिस्टर जो एमए करके बैठी थी तो बैठ गई घर पर। हमारे दिल में लगन था कि हम कुछ सीखे कुछ करें। तो हम जब यहाँ पर, जब हमारे गांव में सब लोग डिजाइन का कपड़ा पहनते थे, सिल के एक एक डिजाइन बना के सिल के पहनते थे, हमको भी खुशी होती थी, हम भी डिजाइन सीखे पहने। तो हम भी सिलाई सीखने के लिए करबला काशीपुर में हम भी जाते थे, तो वहाँ पर हम सिलाई भी सीख रहे थे। सिलाई सीखने के बाद हमको भी डिजाइन नहीं आया, तो यहाँ पर हमारे भिटारा चौराहा पर हमारी मैडम जी वहाँ पर सिलाई भी कर रही थी और पार्लर भी चला रही थी। वहाँ पर हम मैडम के पास गए कि मैडम जी हमको सिलाई भी पार्लर भी सीखना है। तो मैडम जी बोली कि सिलाई पार्लर अभी तो हम उतना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि अभी हमारा दुकान जल्दी खुला है। तो हम मैडम के पास वहाँ पर बराबर जाते थे कि यहाँ पर नदीक था, हमारा भिटारा चौराहा नदीक था, करबला बहुत दूर पड़ता था, हम लोग पैदल भी जाते थे, यहाँ नदीक था। तो हम बोले कि यहाँ पर रहेगा तो हम लोग चाहे जब चले जाएंगे अपने घर सुबह या शाम। तो मैडम से बोले कि मैडम जी हमको सिलाई पार्लर भी सीखना है। तो वहाँ पर हम मैडम के पास जाते थे, वहाँ पर सीखते थे धीरे धीरे। 2-3 महीना लगातार हम सीखे, तब मैडम के पास हम बैठ के अच्छे से जानकारी भी लेते थे। मैडम हमको कैसे कैसे सीखना है, कैसे सिलना है, तो कुछ मैडम भी अपना कपड़ा देती थी कि इसमें अगर डिजाइन बनाओगी, अगर हमारा है, अगर पुराना है, खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखिए। वहां पर उनके पास हम भी बहुत सीखते थे। सीखने के बाद क्या हुआ, वहां से सिलाई करते करते जो समस्याएं, लेडीज समस्याएं हमको भी हो गई, क्या हुई, आँख पे चश्मा भी लग गया, हम सिलाई हद से ज्यादा करने लगे। वहां से मैडम के पास से सिल के आते थे तो घर पर हम सीखते थे अपने, तो घर पर सीखते थे तो हम रात में 12-1 बजे तक हम सिलाई करते थे कि हमको जल्दी से आ जाए डिजाइन, जो कपड़ा हम एक से एक सीखते थे हमको आ जाए जल्दी से। इसीलिए हम यहाँ पर घर पर सिलाई करते थे, लगन में बहुत कपड़ा भी आने लगा था यहाँ पर पैसे के लिए। आज पैसे के लिए हम भी
बहुत अदर भटके, सेहत से लेकर अदर भटके। जब सिलाई कर रहे थे जो 1500 रुपये पाते थे अपना हम खाता में जमा कर देते थे, क्योंकि हमारे पापा जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर हमारा खाता खुलवा दिए थे कि उसमें अपना पैसा जितना सिलाई वाला निकले अपना पैसा वहाँ पर जमा करिए। तो हम जमा वहाँ करते थे। धीरे धीरे जमा करने के बाद जो हमारी शारीरिक समस्याएं हो गई, आँख के चश्मा लग गई, सर से आँख से हमेशा आंसू, ऐसा सर दुखता था, बहुत दिक्कत होने लगी। तो हम उसे बोले कि मैडम जी हम आँख से हमारा पानी गिरता, हम क्या करें। तो मैडम जी बोले कि चलिए ठीक है चश्मा बनवा लीजिए, चश्मा अगर बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। हम चश्मा भी बनवाए, चश्मा बराबर, तब आंखों से आंसू नहीं गिरता था ना पानी गिरता था। धीरे धीरे हमको अच्छा लगा। तो फिर इसके बाद हम भी तभी सिलाई नहीं छोड़े, हद से ज्यादा तभी करने लगे। क्यों करने लगे कि हमको पैसा बहुत कमाना था। हम घर पर सिलते थे, बहुत कपड़ा आने लगन होता है। तब भी हमारे पास बहुत लोग लड़कियां आती थी कि दीदी आप अच्छा डिजाइन सीखती हैं, हमारा भी कपड़ा सिलिए। हम बहुत कपड़ा सिले, लेकिन जब शारीरिक समस्याएं आ गई हमको भी दर दर भटकना पड़ा। और जहाँ हम जो जो पैसा जमा किए थे सारा पैसा वो हमारे शरीर पे खत्म हो गया था। जो लेडीज समस्याएं होती है, पीरियड में दिक्कत होती है, वही दिक्कत हमको भी होती थी। हर महीने में बहुत दर्द होता था, उसके लिए हमको बहुत दवा सुई करवाए, पूरा शरीर भारी भारी होने लगा। जो हम 10 कदम जाते थे हाँपा छूटने लगता था, हम बैठ जाते थे पैर में चुनचुनाहट, टांस पकड़ लेता था, हमको बहुत दिक्कत होने लगी। हम मैडम के पास गए थे कि मैडम जी हमारा मतलब जो पीरियड है तो सही नहीं आता, 8-9 महीना बाद आता है, इसके लिए इलाज करवा रहे हैं बहुत है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। तो मैडम बोले चलिए ठीक है जांच करवा लीजिए, अगर वहाँ पर कुछ भी निकले या ना निकले तो वहाँ से भी हम लोग इलाज करवाएंगे। तो हम लोग गए वहाँ पर, जांच भी करवाए, सारा मतलब नॉर्मल निकला। नॉर्मल निकलने के बाद आपको बहुत खुशी हो रही है, नहीं तो हम बहुत डरते थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी कि हमारा सर इतना भारी भारी हो रहा है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं हो रही है, हमको बहुत दिक्कत होने लगी। इसके बाद हम मैडम से बोले कि मैडम जी जब हमको कोई दिक्कत नहीं है तो हम कहाँ से दवा लेकर यूज करें। तो हमारे यहाँ वैद्य आते थे, उनसे आयुर्वेदिक खाते थे, हर हफ्ते में 500-600 रुपया लगता था। जितना पैसा हम कमा के रखे थे सारा पैसा हमारा खत्म हो गया था, हमारे खाता में सिर्फ 1500 रुपया बचा था। इसके बाद हम बहुत इलाज करवा चुके लेकिन हमको कहीं नहीं फायदा मिला। जब फायदा मिला हमारे यहाँ हमारे गुरु हमारे भगवान आदरणीय श्री अमरदीप कुमार मांझी जी आते थे हमारे मैडम जी को जानकारी देने के लिए। सन 2018 में आए थे, हमको भी बहुत हम भटके, बहुत भटके। सन 2018 में हमारी भी जिंदगी बदली जब हमारे गुरु यहाँ हमारे भिटौरा आए। तो जानकारी दे रहे थे कि हाँ गैनोजी शो के बारे में वहाँ पर जानकारी दे रहे थे। तो हमारे अंदर बीमारी थी लेकिन ठीक नहीं होती थी, हमको बहुत दर्द होता था, रात रात भर नींद नहीं आती थी, हम रोते थे और दिन में सहेलियों के साथ रहते थे, हंसते थे। लेकिन जब हमारे गैनोजी शो के बारे में हमारे सर बताने लगे, हम लोग पार्लर भी सीख रहे थे, जब सिलाई कर रहे थे वहाँ पर हम लोग भी क्रीम लगाते थे, फेशियल भी करवाते थे, चेहरे पे बड़ा बड़ा मुहासा निकल गया था, दाग भी हुआ था। तो मैडम से बोले कि मैडम जी इतना क्रीम आपके पास है, हम लोग लगाते हैं तभी नहीं ठीक होता है। तो यहाँ पर सर आते हैं, जड़ी बूटी वाले जानकारी देते हैं गैनोडर्मा के बारे में, क्या क्या जानकारी देते हैं हमको नहीं समझ में आता है। तो हमारे सर जब आते थे तो हम उनका पहले हंसी उड़ा लेते थे कि यहाँ पर आए हैं चाय पत्ती और साबुन लेकर, हमारे यहाँ एक से एक साबुन इतना चौड़ा बड़ा है, हमारे यहाँ साबुन एक से एक मिलता है, लेकर आए हैं साबुन जानकारी देने के लिए। हम सर को जब देखते थे पहले नमस्ते कर लेते थे, नमस्ते करने के बाद क्या होता था हम सर के पास बैठते नहीं थे, हम लोग नीचे सो जाते थे, हम लोग बहुत हंसते थे। जब सर आ जाते थे हम यही कहते थे कि सर पकाने के लिए आ गए हैं, बहुत हम लोग हंसते थे। लेकिन हम नहीं जाने कि हमारी यहाँ से जिंदगी बदलेगी नहीं तो, अभी हमारी उर्मिला चाची जो 15 मिनट बोल के गई हैं, इनके साथ हम भी कटिया भी करते थे, जरई भी बैठाते थे। हम लोग पैसे के लिए बहुत जितना पैसा हमारे पास था सारा पैसा खत्म हो गया था, हम लोग कटिया भी करते थे, जरई बैठाते थे, तब पैसा जाता था। तो हम भी सिलाई में जब 3-4 महीने में फीस दिए थे तब फिर मैडम जी बोली कि हमारा भी कपड़ा सिलती हो, हम पैसा आपसे नहीं लेंगे। तो इसीलिए तो हमको बहुत खुशी हुई। तो वहां पर हम सिलाई करने लगे, पार्लर भी करने लगे, मैडम के पास हम बराबर रहने लगे। जब से मैडम जी दुकान खोली थी तब से हम बराबर उनके पास रहे।
तो वहां से जब जानकारी हमारे गुरु देने लगे तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि हर एक जगह से हम थक हार चुके थे, इसीलिए हमको विश्वास नहीं हुआ करता था। लगभग हम सर को जब यहाँ पर आते थे 6-7 महीना तक हम इनको टरका देते थे, सिर्फ हंसते थे। हम बोले इतने बड़ा मतलब ये दबाव होता, ये तो दुकान रख लेते, तो घर घर नहीं आते, दुकान दुकान नहीं आते, क्योंकि हर एक दुकान पे मेडिकल का दुकान थी है। तो हम बहुत हंसने लगे, लेकिन जब वहाँ पर सर काफी पिलाते थे, 3-in-1 काफी पिलाते थे, हम लोग पीने के लिए आगे निकल जाते थे कि सर हमको भी चाहिए। हम लोग 3-in-1 काफी पीते थे, बहुत अच्छा लगता था। जो ठंडा मौसम था तो बहुत खुशी होती थी कि सर फिर आएंगे तो हम लोगों को फिर पिलाएंगे। तो वहां पर आते गए हम लोग, यही भी 3-in-1 काफी पीते थे, बहुत अच्छा फायदा भी दिख रहा था कि पेट भी हल्का भी हो रहा है। तो मैडम से बोले कि मैडम जी हम तो नहीं डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, आप बात करिए कि हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट है, अगर होगा इसमें का कुछ प्रोडक्ट हम खुद यूज करेंगे, अगर हमको फायदा करेगा। हमारे गाँव में हमारी जैसी लड़कियाँ बहुत है, बहुत लोग परेशान है, लेकिन अपनी बीमारी सब लोग छुपाते हैं। तो मैडम से बोले कि तब बोली कि चलिए ठीक है, हम बात करेंगे सर से। तो मंगलवार था, तो मंगलवार के बाद मैडम जी रात में बात की सर से, तब सर बोले इसमें का आता है एक स्पारोलिना, एक रेसिगनोटी, एक मुरंजी जूस आता है, ये तीनों चीज हमारे लिए बोले। तो हमको बहुत महंगा लगा था, तो हम बोले कि इतना महंगा हम कहाँ से खाएंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम कैसे खाएंगे। तब सर मैडम जी बोली एक बार लेकर यूज करिए, अगर आपको फायदा करेगा तो आप यूज करिएगा, नहीं तो एक बार में इतना पैसा खर्चा कर ली है तो एक बार यूज कर लीजिए। हम मैडम से बोले चलिए ठीक है, एक बार यूज कर ले, अगर हमको फायदा लगेगा तो हम और लोगों को बताएंगे, क्योंकि हर एक घर में, जो हमारे सर बताते थे, हर एक घर में कुछ न कुछ सबके पास समस्या आए हैं, अगर लोगों को बता रही है, लोगों को ये मदद कर रही है, तो हमको बहुत खुशी हुई कि लोगों को इसमें मदद भी करना है। तो यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल किए, अपने घर लेकर आए, हमारी बड़ी जो दीदी हैं उनसे बताने लगे, तो वो दाम देख के चौंक गई कि इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया। हम बोले मैडम जी ली है हमारे अपने पैसे से, फिर वहाँ पर सर को भी जमा करना है। तो मैडम जी यहाँ पर अपने दीदी को बताए, हमारी दीदी एकदम बोलने लगी आप ही की आपके अंदर इतना बीमारी है, हम लोग तो भी है लड़की है। वो हमको भी डांटने लगी, लेकिन हम भी तभी रो के मतलब सारा प्रोडक्ट खाने लगे। हमको बहुत अच्छा मिला रिजल्ट, 15 दिन में हमको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि जो हर महीने में नहीं होता था वो हर महीने में होने लगा। 15 दिन पे आया, जो दर्द हमको बार बार दुखती थी वो दर्द नहीं थी। हम इतना खुश हुए मैडम जी के पास तुरंत फोन किए, मैडम जी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ये प्रोडक्ट खाने से। मैडम जी बोली कि इसको अब लगातार यूज करिए। तो हमारा मतलब शरीर भारी भारी हो गया था, जब यही बेसिक एनर्जी हम गुनगुना पानी में करके पीते थे शरीर भी हमारा हल्का होने लगा। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तब भी हम किसी को नहीं बताते थे, क्यों नहीं बताते थे? हम अंग्रेजी दवा खा लेते थे तभी हम एक महीने में ठीक हो जाते, फिर वही हमारी समस्याएं बढ़ जाती थी। तो हम सर से बोले, मैडम जी से बोले कि और अभी जब तक हम 5-6 महीना खाएंगे नहीं तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे। हम रेगुलर यही खाते गए, हर महीने में जो दिक्कत होती थी हमको नहीं होती थी। इसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा, सब बताने लगे हमारे सर, सत्या जी ये प्रोडक्ट फ्री में खाना चाहती हो? हम बोले हाँ सर फ्री में खाना चाहते हैं। तो बोले कि अगर लोगों को बताएंगे तो ये प्रोडक्ट आपका फ्री हो जाएगा, इसमें लोगों को मदद करना है आपको। हम बोले सर जी यहाँ पर लोगों को मदद भी नहीं करना चाहते, हम कैसे लोगों को मदद करें? तो बोले कि इसमें देखिए सरता जी, आप जैसी बहुत बहने हैं, बहुत लोग परेशान हैं, अगर लोगों को मदद करेंगी इससे आपका गरीबी भी दूर होगा। हम बोले यहाँ से कैसे गरीबी दूर होगा, हम लोग सिलाई भी कर रहे हैं, अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं, उससे गरीबी भी नहीं दूर होती है, ये बताने से गरीबी दूर होगी? तो सर बोले कि सरता जी ये कब तक ले करेंगी आप, जब तक शरीर में दम रहेगा तब तक करेंगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाओगी। हकीकत में जब हम परेशान हो जाते थे कुछ नहीं करते थे, सिर्फ लेटते थे, और हमारी सिस्टर भी डांटती थी खाना नहीं पका रही, वो नहीं कर रही, हम तब भी डांट खाते थे। जब सर की बात हम सुने हमको बहुत अच्छा लगा, हम बोले चलिए ठीक है, जब बताना है तो हम लोगों को बताएंगे सर। तो हम अपने गांव में लोगों को बताने लगे, जब
पर्चा मिलता था उसमें सारी समस्याएं के बारे में लिखा था जो हमारे सर देते थे, तो हम लोगों को अपने गांव में बताते थे। हमारे गांव वाले बोलने लगे कि ये कोई कंपनी में फंसी है, अब ये गई काम से, जो सिलाई कर रही अच्छा खासा पैसा कमा रही थी अब कोई कंपनी में गई है। तो लोग देख के हमको बहुत हंसते थे, लेकिन तब भी हम निराश नहीं होते थे। तो हम मैडम जी बताते थे कि मैडम जी ऐसे लोग हमको कहते हैं, हम क्या करें। बोली की बताइए, देखिए यहाँ सर बता रहे हैं, देखिए कितने लोगों को वीडियो दिखा रहे हैं। खुशबू दीदी का जब वीडियो दिखाए हमको भी बहुत अच्छा लगा कि खुशबू दीदी कर सकती है तो हम भी लड़की हैं, हम भी अपने पैर पे ठाड़ हो सकते हैं। जब यहाँ पर सर बोले आपकी यहाँ से जो चश्मा भी हट जाएगा, हमको जब यहाँ पर अच्छे से मैडम सर जी हमको बहुत अच्छे से समझाए तो हमको भी समझ में आया। हम बोले कि मैडम जी हम ये प्रोडक्ट जरूर यूज करेंगे, लोगों को जरूर बताएंगे। अपने गांव में लोगों को हम बताते गए, शाम को आते थे लोगों को बताते थे, खाना भी नहीं खाते थे। हमारी सिस्टर तभी हमको डांटती थी, तभी हम उनके बात पे नहीं करते थे कि हमको क्यों डांट रही, क्यों कुछ कर रही है। तभी हम हाली हाली आके अपना खाना ना पका लेते थे, पूरा घर का काम भी कर लेते थे, फिर हम सुबह में लोगों को बताने के लिए जाते थे, तभी हमको डांट मिलती थी। लेकिन हमारी जो हम पूसा चाची भी वो भी स्टार हो गई है, इसी महीने में वो भी स्टार मूवी भी निकलने वाली है। तो हमको भी बहुत खुशी हुई कि हम चाची को बताएं, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है, बहुत इलाज करवा रही है, गुजरात तक इलाज करवाई है। इनको एक बार बताएं, अगर इनको भी समझ में आ जाएगा तो वहाँ हमारे जगह पर सर जब आते थे वहाँ पर लोग बैठते थे, जानकारी जब सर देते थे हम लोगों को वहाँ पर अपने गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे। बहुत लोग समझते थे, बहुत लोग भाग आते थे, कहते थे अगर इतना अच्छा होता तो कहीं दुकान खोल लेते। तो हमको भी चोट पहुंच जाती थी कि हम बोले कि यही प्रोडक्ट हम खाए हैं ठीक हो रहे हैं। तो हमको भी पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था, तो इन लोगों को कहाँ से विश्वास होगा, हमको ये भी दिल में था। तो हम बोले कि ठीक है, यहाँ पर उषा चाची को हम बताए, उषा चाची को लिवा के गए। तो वहां पर जब सर बताने लगे यही रेसी गनो टीचा पीने से सारी समस्याएं दूर होती है, तो हम चाची से बोले देखिए दीदी चाची जी ऐसे ऐसे देखिए सर कह रहे हैं समझ लीजिए। तो वहां पर वो चाची समझी, जब पाटन में ऐसे दिखा रहे थे सर तो हम बोले ये तो दारू लग रहा है, बना के पी रहे हैं तब बोलते हैं। तो वहां पर हम लोग अच्छे से हमारी चाची भी समझी ये प्रोडक्ट मांगने की। बोली कि हमको भी जो बाबा सिर की दिक्कत है, बाबा सिर की वजह से हम भी बहुत इलाज करवा रहे हैं, इसके मतलब दौरान दवा खाते खाते गोलिया की दिक्कत हो गई है, हार्ट की दिक्कत हो गई है। तो हमको भी बहुत हम बोले कि ये दवाइयाँ दे कि नहीं दे क्या पता चलता, उभार करे। हमारे सर बोलते हैं कि अगर पूरी पुरानी समस्याएं हैं हल्का फुल्का उभार कर देती है, आप लोग मत घबराइए। हम भी हमको भी कहे थे लेकिन हम घबराए नहीं। हम चाची से बोले कि चाची जी इसमें का प्रोडक्ट लेकर इस्तेमाल करिए, अगर आपको फायदा लगेगा तो प्रोडक्ट आप भी अच्छे से खाइए, हमारी जो समस्याएं थी देखिए हम खा के आज ठीक है। तो हमारी चाची बोली कि चलिए ठीक है, हमारे लिए इस बार वो लेना रेसी गनुटी दो चीज लाइए, अगर हम खाएंगे अगर हमको फायदा लगेगा तो हम प्रोडक्ट और खाएंगे। वो खाई, उनका भी बहुत अच्छा फायदा मिला। हमारे गाँव में सिर्फ हमारी उषा चाची वही समझी जब वो ठीक हुई तब जो अभी उर्मिला चाची जी अभी बोल के 15 मिनट गई हैं, तब वो उनको बताई। तो जब इनको बताई तो ये भी गई, हमारे गांव में धीरे धीरे लोग भी समझने लगे। जब यहाँ पर हमारे गांव में बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा तो गांव में लोग पहले नहीं समझे लेकिन धीरे धीरे समझने लगे। जब एक दूसरे दो लोग खाने लगे, एक दो लोगों को बीमारी जब दूर होने लगी तो हमारे गाँव वाले भी खाने लगे, ये लोगों को खुली वा के जा रही है सर जी, वहाँ पर परेशान हो रही है, इतना महंगा दवा ये लोग खिला रही हैं, कहीं से ठीक ही नहीं हो रहे हैं, ये दवा खाने से ये लोग ठीक होंगे। लेकिन वहाँ पर हमारे दोनों चाची वहाँ पर समझी, खाए प्रोडक्ट, उन लोगों को अच्छा लगा। तो जब हमको भी जब हम अपने चाची को लिवा के गए थे उसमें से कुछ हमको पैसा मिला था जो दुआओं का पैसा मिला था। जब हमारे सर बोले कि सरता जी देखे इसमें कुछ आपका इनकम मिला है, हम बोले हाँ सर कहाँ से मिला, बोले जो आपकी चाची लेकर गई हैं इसमें देखिए आपको फायदा भी मिला है, अब उनका देखिए समस्या ठीक हो गई है, अब आपका हमेशा नाम लेंगी कि बहनी के माध्यम से ठीक हुआ है। तो हमको बहुत खुशी हुई थी, इसके दौरान हम लोगों को बहुत बताने लगे। हम जब यहाँ से हमारे सर बोले कि सरता जी और फ्री खाना चाहती है प्रोडक्ट, हमके यहाँ सर ये सारा प्रोडक्ट हम फ्री खाना चाहते हैं, बोले कि आप तब लोगों को जरूर बताइए।
हम अपने गांव में बहुत लोगों को बता डाले, बहुत लोग सुने, बहुत लोग हाँ किए, बहुत लोग ना किए, लेकिन तभी हम निराश नहीं हुए। वहां पर रेशमा जी आती थी, हम दोनों लोग भी सिलाई पार्लर भी सीख रहे थे। हम बोले जब हमारे सर आते थे उनको भी लेडीज समस्याएं थी, जब हम दोनों लोगों को बताने लगे कि आप लोग अगर जा रहे हैं ये करने के लिए आप घी खा सकती हैं, हम लोग दूर दूर नहीं जाके अपने की ठाठा और यहाँ पर गोलपुर तक हम लोग नदी नदी में जाते थे लोगों को बताने के लिए। तो वहाँ पर लोग भी बहुत नहीं समझते थे कि लोग कहते थे अगली बार आइए, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर सर आते थे हर मंगलवार को हम लोगों को चार्ज करते थे, हम लोग फील्ड में जाते थे लोगों को बताने के लिए। जब वहाँ पर लोग कहते थे ये दवाई बेचने के लिए आए हैं तो हम लोग भी बोलते थे हाँ चाची हमको फायदा किया है, आप लोग भी खा सकते हैं, ये बचाव मिशन से है, ये हमारा ये दवा नहीं है, ये जड़ी बूटी वाला प्रोडक्ट है। हम लोग भी हम तो भी नहीं कर पाते थे, देसी गन और टी नहीं कर पाते थे क्योंकि हम पढ़ने लिखने बहुत लीचर थे, हम कुछ नहीं जान पाते थे। जब हमारे वहाँ सर बताते थे हम कुछ नहीं जानते थे कि इसमें फायदा क्या मिला, क्या कुछ मिला, हमको कुछ नहीं मालूम था। हम खाली लोगों को वहाँ पर बैठाते थे, जब लोगों को वहाँ पर बैठाते थे धीरे धीरे हमारा इसका वो लेना फ्री मिला। तो हमारे सर बताने लगे कि देखिए सरता जी आपका इतना महंगा प्रोडक्ट आप आज फ्री हो गया। तो हम बहुत खुश होते थे, हम फील्ड में लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोग धीरे धीरे दूर दूर जाने लगे। बोले कि इसमें पैसा भी मिलेगा, ये फ्री आप लोग खाएंगे लेकिन इसमें आपका धीरे धीरे गरीबी भी दूर होगा। तो हम लोग फील्ड में जाने लगे, दूर दूर तक जाने लगे। वहां पर हम लोग जाते थे शाम हो जाता था, घर पे आते थे डांट मिलती थी, इतना लेट लेट में कहां आप लोग जाती हैं आती हैं। हम लोग के घर वाले हमको बहुत डांटते थे, गांव वाले भी बहुत उल्टा सीधा भी बात करते थे, लेकिन तब भी हमको यही डिएक्शन सिर्फ हमारे दिमाग में बैठा था यहाँ से अब हम अपना गरीबी भी दूर करना है, लोगों को मदद भी करना है, हमको कुछ नहीं करना है। यही हमारे जब सर बताते थे तो हम यही करने के लिए हम गांव गांव घर घर जाते थे, लोगों को जानकारी देते हैं, दरवाजा खटखटा खटखटा के जाते थे, लोग तभी भगा देते थे लोग, और लोग बहुत अच्छे से प्यार से बैठाते थे अपने घर, नाश्ता तक देते थे, बहुत लोग डांट के भी भगा देते थे, लेकिन तभी हम लोग निराश नहीं होते थे। हम बोले कि जब हमारे सर बताते थे हम भी बहुत हंसते थे उनको भी देख के, वही आ रही है हमारे भी ऊपर आ रही है, अगर आगे हम हंसते नहीं होते आज लोग भी हमारे ऊपर हंसते नहीं। तो हमको यही सोच में आ जाती थी, लेकिन तभी हम मुस्किया कि हम लोग वहां से चले जाते हैं, हम लोग हंसते हंसते, लेकिन तभी अगर प्रोडक्ट निकला तभी नहीं निराश होते हैं, निकलता था तभी हम लोग कभी निराश नहीं हुए। लेकिन आज सन 2018 से हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, 18 में नहीं काम किए, लेकिन हम लोगों को अच्छे से जानकारी देने के लिए जब जाते थे धीरे धीरे हम लोग पैदल जाते थे, पैर में छाला हो जाता था, चप्पल भी टूट जाता था, हम लोग चप्पल ऐसे मोड़ के भी चले आते थे, नहीं तो हाथ में लेकर चले आते थे। हम लोगों को बहुत दर्द हुआ उस समय पे, जैसे हमारे सर बताते हैं अगर पहले आप लोग दर्द लेंगी तो आगे चल के आजाद से आप लोग बैठ के अच्छे से खा पी सकती हैं। तो हम लोग बहुत दर्द लिए, छाले पर जाते थे, पैर में धूप में जल जाते थे, तो पूरा हाथ भी काला हो जाता था, फिर चेहरे पे दाना भी निकल जाता था, धूप की वजह से हम लोगों के शरीर में बहुत समस्याएं आती थी, थक भी जाते थे, बैठ जाते थे। जब हमारे सर बताने लगे अब आपका कैप्सूल भी फ्री हो रहा है, आप लोग दवा भी खाइए, फील्ड जाइए, आप लोग चाय का पानी हम लोग लेकर जाते थे, लोग भी कहते थे ये लोग दारू पी रही है, लड़की होकर पी रही है, हम लोग बताते थे भैया ले लीजिए आप लोग पी भी सकते हैं, गिलासा लाते थे, बहुत लोग चीखते थे कि ये लोग क्या पी रही है, वहां पर हम लोग पिला भी देते थे, हम लोगों को काफी भी मिलता था, हम लोग काफी लेकर जाते थे वो भी पिला देते थे लोगों को, लोग भी धीरे धीरे विश्वास करने लगे। हमारे भिटारा में जब हमारे हर हफ्ते में हमारे सर आते थे वहां पर हम लोगों को बैठा देते थे, तो वहां पर बैठते थे लोग समझते थे धीरे धीरे क्या होगा। हम जब इसमें स्टार हुए, पहला पल जो हुआ स्टार हुए, हम भी गेहूं जो हमारी चाची बताई कि हम लोग गेहूं काट रहे थे, हम भी गेहूं भी काट रहे थे दूसरे के खेत में, मजदूरी भी करते थे पैसे के लिए कि हमारे घर में गेहूं भी आ जाए, धान भी आ जाए, किसी के खेत में मजदूरी करके हम लोग यही करते थे। लेकिन जब हम भी गेहूं काट रहे थे तो हमारे सर बधाई दे रहे थे, हम बोले सर ये किस लिए है, बधाई उधाई आप दे रहे हैं। बोली सरता जी जो इसमें का स्टार है वो पहला सिंगड़ी आप पार कर चुकी हैं। हमको बहुत खुशी हुई, हम बोले कि सर इतना हम अच्छे से कोई भी काम करें कहीं हमको मान सम्मान नहीं मिला, लेकिन आप पता कहाँ से हैं, इतने दूर से हैं, इतना हमको मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे
बहुत खुशी हुई। हम बोले कि सर आपका आशीर्वाद हमें हमें हमेशा हमारे साथ रहे, जो आप कहेंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे सर वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से बधाई भी दी है। तो यहाँ पर हमारे विटारा में जब यहाँ पर बताने लगे कि आपका सेलिब्रेशन मनाया जाएगा, तो यहाँ पर हमको भी मान सम्मान मंगलवार को माला भी पहनाया है, तो हमको इतना खुशी हुई। हम बोले इतना हम लोग बीमार होते थे, डॉक्टर की इतना पैसा जब मतलब देते थे, वहाँ से मान सम्मान नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है? सिर्फ बीमारी मिलती है। लेकिन यहाँ से आने से हमारी कितनी जिंदगी बदल रही है। यहाँ लोगों को मदद भी कर रहे हैं, यहाँ पर मान सम्मान भी मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इसीलिए हम बहुत खुश हुए और लोगों को बताने लगे, उसी जोश में और लोगों को बताने लगे। और लोगों को बताते बताते क्या हुआ, जब स्टार मूवी निकले तब हमको सर यही कहते थे कि सत्ता जी आपके पास छोटी मोबाइल है, छोटी मोबाइल कब तक चलाएंगे। हम बोले सर यही फोन करके लोगों को बताते हैं, इसी दिन आना है, छोटी मोबाइल सैमसंग का छोटा चलाते थे। तो सर बोले कि मेहनत करिए सत्ता जी, इसमें बड़ा मोबाइल आप पाएंगे। तो हम बोले सर कैसे इसमें करना पड़ेगा, तो मैडम जी भी बताएं कि तीन लाइनों को अपने काम करना है, तीन लाइन को स्टार निकालना है। जब वहाँ से उनका 7-7 हज़ार मतलब पीवी हो जाएगा तो आपको बड़ी मोबाइल मिलेगा 12.5 हज़ार का। तो हम उस पर हम बहुत अच्छे से काम करने लगे। हम दौड़ दौड़ के लोगों को, जब रेशमा जी का अलग लाइन हो गया, हमारा अलग लाइन हो गया, तो हम अकेले जाते थे, हम किसी से नहीं डरते थे। सारा प्रोडक्ट हम अपने पास रखते थे, खुला भी रखते थे, खुला जैसे हम इस बार लेना खुला ले लेते थे, लोगों के बीच में हम खा जाते हैं, 6-7 भी खा जाते थे। खुला साबुन भी रखते थे, खुला पेस्ट भी रखते थे, सारा प्रोडक्ट हम खुला रखते थे, जहाँ पता हम यूज करते थे। लोग यही कहते थे अरे अपना खाती नहीं है, लोगों को बताती है, हम खुद खा के दिखाते हैं लोगों को। तो वहाँ पर फील्ड में लोगों को विश्वास होता था, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकलता था। जो हम एक साबुन के लिए तरस रहे थे, लेकिन उसी दिन जब हम लोगों को बताने लगे, सारा प्रोडक्ट हमको फ्री में खाने का मौका मिला, हम बहुत खुश हुए। हम बताने लगे कि इतना हम लोग डॉक्टर के यहाँ रहते हैं जाते थे, डॉक्टर को हम लोग इतना बताते थे, इतना ये डॉक्टर ठीक है, लेकिन कभी फ्री नहीं दिए। लेकिन इस मिशन में बताने से कितना हमारा प्रोडक्ट फ्री हो रहा है, हमको इतना अच्छा लगा। लोगों को बताने के लिए हम अकेले अकेले बसखारी तक दिन भर दौड़ते थे, डोंडो बसखारी के शहर में है, वहां पर हम पैदल जाते थे लोगों को बताने के लिए। तभी लोग समझते थे, बहुत लोग उल्टा सीधा रास्ता में आते जाते थे, लोग लड़के भी हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते थे। हम किसी का बात नहीं मानते थे, सिर्फ अपने टीएक्शन के बारे में सोचते थे कि हमारा 12.5 हज़ार का मोबाइल भी आ जाएगा, पैसा भी आएगा, अच्छे से हम कमाएंगे। तो नजर में यही था, और लोग कुछ भी कहते थे, हम किसी का बात नहीं मानते थे। बहुत लोग हमको भी, जो लेडीज है, लेडीज लोग बहुत लोग उल्टा सीधा बात कही है, लेकिन हम किसी का बात नहीं सुने। सिर्फ मंगलवार को जो हमारे गुरु आते थे, हम लोगों को चार्ज कर देते थे, हम तो फुल हो जाते थे। हम फील्ड में लोगों को धड़ाधड़ बताते थे, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकता था। जब फायदा मिलता था, मैडम जी से बताएं कि मैडम जी हमको इतना फायदा मिल गया, देखिए हमारा प्रोडक्ट इतना इतना निकल गया, तो मैडम जी भी खुश होती थी कि ठीक है लोगों को बताइए। पैर में छाला जब पड़ जाता था, मोजा भी हम लोग लगाते थे तब भी छाला पड़ जाता था, इतना कस के धूप होता था। हम लोग स्टॉल भी लेने का मतलब उतना पैसा नहीं होता था कि स्टॉल लेकर अपने सर पे रख ले, चेहरा धूप बांध ले, पैसा नहीं था। इसीलिए हम लोगों को धूप में जल जल के लोगों को बता बता के आज इस मिशन में जब स्टार रूबी हुई है, तो हमको खुशी हुई। तो हमारे सर फिर बधाई देने लगे, हम बोले सर हम अब स्टार रूबी हो गए, अब हमको कब मिलेगा मोबाइल। हम बहुत बोले कि जल्दी से मिल जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर में टच वाला मोबाइल है ये नहीं है किसी के पास। हम बहुत खुश हुए कि हमको भी मिल जाए। तो हमको भी मिला, जब हमारे सर बोलने लगे कि आपको मिलेगा सब, कि आपका बोनस भी आएगा बढ़ के। हम बोले ठीक है सर, 19,500 हमारा बोनस लेकर पूरा आया था, मोबाइल लेकर सारा बोनस आया। तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे खाते में इतना पैसा आया। हम बोले इतना खुश हुए तो हम बोले कि हमको मोबाइल भी तत्काल में भी देना है, नहीं पैसा आया है चला जाएगा। हमारे घर में ट्यूशन हर एक, हम लोग साग सब्जी के लिए भी तरस जाते थे, जब पापा नहीं थे तो उसके लिए हम लोग बहुत तरस जाते थे। जब पापा रहते थे तो पैसा भी आता था, इसके बाद जब नहीं थे तो Thank you.
सारी समस्याएं आ जाती थी, तो हम लोग भी पैसे के लिए बहुत तरस गए थे, लेकिन रिएक्शन में जब आया बोनस हम लोग का खुश हुए। तो हम लोग बहुत खुश हुए, तो बहुत तो हमारा भी बोनस आया, तो कुछ घर पे मम्मी मम्मी को कुछ दिए, कुछ अपने रिएक्शन में बोले कि जितना हम रिएक्शन में लगाए हैं कितना बार पैसा आया, हम रिएक्शन से और कुछ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से जब हमारे सर बताते हैं तो आप अगर अच्छे से आगे करेंगे तो आगे जाएंगे, तो हम रिएक्शन का कुछ पैसा अपने खाते में रखे थे, जो प्रोडक्ट लेने का जो एक तारीख में हमारे सर बताते हैं 3500 PV बनाने के लिए, तो हम लोग 3500 PV बनाने लगे, हमारे खाता में था, हमने कहा कि अपना पीवी भी बनाते थे, अपने टीम वालों को भी सिखाते थे, आज जो कुछ हूँ आज अपने टीम के बदौलत में हूँ, क्योंकि आज हमारी टीम नहीं होती तो आज हम इस जगह नहीं होते, आज जहाँ के तहाँ होते। हम दिल से धन्यवाद देते हैं अपने जो छोटी लवली सी टीम है, उनको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी टीम हमको इस लायक बनाया है, नहीं तो हम भी बहुत परेशान थे। आज इसी से आज हमारा भी घर चल रहा है, कोई भी समस्या आ जाती है हम लोग वहाँ पे भी जो पैसा आता था लगा देते हैं, अब परिवार भी नहीं कुछ बोलते हैं, परिवार भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जब हमारा मोबाइल आया, जब हमारा मोबाइल आया 12,500 का, तब मोबाइल लिए, उसी मोबाइल से हम भी मीटिंग भी देख रहे हैं, और नहीं तो हम भी मोबाइल चलाते उलाते नहीं थे, छोटी मोबाइल चलाते थे, हमको भी सीख नहीं थी कि कैसे कैसे बड़ी मोबाइल चलाया जाता है। जब इस मोबाइल में हमको बताने लगे हमारे रंजीत चाचा जी, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जब हमको मोबाइल वही ऑनलाइन मंगवाए थे, तो हमको भी मीटिंग वीटिंग सिखाए कि सत्ता जी ऐसे ऐसे मीटिंग देखेंगी तो और आगे आप जाएंगी, तो इसमें हम मीटिंग भी देख गए। लॉकडाउन से जब हमको लॉकडाउन लगा था, हम भी इस मोबाइल में मीटिंग भी देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वेबिनार पे जितने लोग आती हैं सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बताती हैं, बहुत बहने आती हैं, हर एक गरीबी के दलदल में जूझ रही थी, लेकिन आज रिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि आज हम लोगों को नई जिंदगी ला के दे रही है। यहाँ से लोगों को गरीबी भी दूर हो रही, शारीरिक जो समस्याएं हैं समस्याएं ठीक हो रही है, हमको बहुत खुशी हुई। जब इस लॉकडाउन लगा तो हमारा भी 5,500 आया था, नहीं तो हम भी पैसे के लिए तरस रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा अच्छा बोनस भी आया, उसमें से हमारा पीवी बढ़ रहा था। हम अपने जो छोटी टीम है टीम को भी अब इस समय में हम बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारे नीचे मिला चाची जी भी स्टार रूबी भी हैं, हमारे उषा चाची भी स्टार रूबी निकलने वाली हैं, उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा सर संकल्प लिए हैं 2025 का, हम लोग संकल्प भी पूरा करने के लिए तैयार हैं, और फील्ड में दिन रात हम ये लोग एक कर दिए हैं। हम लोगों ने अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों को 2025 में जो हमारे सर संकल्प लिए हैं संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे, चाहे हम लोगों को छाला पड़े चाहे कुछ भी पड़े, हम लोगों को अपना गरीबी भी दूर करना, सर का संकल्प पूरा करना है, और इसीलिए हम लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अभी तो हमारा भी पीवी उतना अच्छे से नहीं जाता, लेकिन तभी 82,000 के ऊपर पलक में जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है टीम वालों को भी सपोर्ट करने में, और अपना भी नहीं निकाल पाती अपने लिए, क्योंकि हमारी भी टीम बहुत छोटी है, लेकिन बहुत हम लोग को दौड़ भाग करना पड़ता है। जो हमारे साथ किशन जी हैं वो भी हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उतना अच्छे से हम पीवी भी किसी का अच्छे को नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, पीवी हमारे टीम को बताते हैं, वो भी हमारे डायरेक्ट में नहीं है लेकिन हमारे टीम में, बहुत हमको खुशी होती है कि एक लड़का होकर वो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी फील्ड में दोनों लोग जाते हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, काम में आते हैं हमारे घर पहुँचाते हैं, घर से लिवा के जाते हैं, तब भी लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन परिवार भी नहीं कुछ कहते हैं, हम भी नहीं कुछ कहते हैं, हम लोग दोनों लोग मिलके जाते हैं, हम अपने टीम वालों को पूरा, वो भी हमारी टीम में है उनका भी सपोर्ट करते हैं, जितने हमारी चाची भी हैं जितने हमारी दीदी भी हैं सबको हम सपोर्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही चाहते हैं जैसे आज हमारा भी कुछ इनकम बढ़ रहा है, वैसे हमारी टीम में हमारी जितनी बहनाएं हैं सबका जो बोनस अच्छा छोटा छोटा आ रहा है, धीरे धीरे उन लोगों को बोनस अच्छे से आए, तो इसीलिए हम लोग दिन रात ये करते हैं, चाहे बादल हो चाहे पानी बरसे, हम लोग रिंकोट लेकर जाते हैं फील्ड में, दोनों लोग बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।
यही हम कहना चाहते हैं कि जितने हमारे यहाँ पर दीदी बहनी है, सब लोग, जितने नए लोग हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हमारी टीम नहीं चल रही है, टीम को चलाने की आदत डालिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, करें, थक गए हैं, थकना नहीं है। यहाँ अगर आप लोग कर रहे हैं अच्छे से, मिशन में आ चुके हैं, आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो अलग दुनिया में हम लोग का खुला चौका के अलावा कुछ रहता। यही देखिए, कटिया का दिन आता है, कटिया करते हैं और क्या करते हैं, निर्वाही भी करते हैं, लेकिन इस मिशन में आके लोगों को सिर्फ मदद करना है। तैयार होकर आप लोग सब समझ के जाइए, लोगों को सिर्फ मदद करिए। वहाँ पर मैडम जी लोग करके बुलाते हैं, दीदी जी करके बुलाते हैं, बहुत खुशी होती है। सिर्फ हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था तो डॉक्टर लिम्सियो जी, हमारे माता पिता गुरु, हम लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के बीच में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ला के दे दिए हैं कि यहाँ से सबको जिंदगी बदल रही है। इस माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि अगर ये सिस्टम नहीं बनते तो हम लोग इतना अच्छा से ज्ञान नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे लीडर आते हैं, हम लोगों को एक एक बात बताते हैं, सिखाते भी हैं कि आप लोग बहनी लोग, आप लोग यहाँ से आप लोग जिंदगी आप लोग बदल सकती हैं। यहाँ से अभी सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी काम कर रहे हैं। हम भी बहुत नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे हम विश्वास करते थे, लेकिन हमको भी हमारा पैर खींचने वाले बहुत लोग थे, लेकिन हम किसी का बात नहीं मानते थे।